महात्मा गांधी जी ने भी इस स्थान के बारे में कहा था कि नीमूचाना हत्याकांड जलियांवाले हत्याकांड से भी कहीं विभत्स हत्याकांड है। अलवर जो रियासत थी वह अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थी। जहां जो घटना घटित हुई वह घटना थी 14 मई 1925 की। जो अहिंसक किसान थे उन पर छज्जू सिंह ने अंधाधुंध मशीन गन जो थी उनके द्वारा आक्रमण कर दिया गया। यहाँ के किसानों को मारने के बाद उसने इस पूरे गांव को जला दिया। इसी हत्याकांड को देख करके यंग इंडिया में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको को लेकर के आया हूँ एक ऐसे स्थान पर जिसको कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग। वह स्थान है नीमूचाना, जहाँ पर घटना घटित हुई थी नीमूचाना के किसानों के आंदोलन के दौरान नीमूचाना हत्याकांड। तो आइए दोस्तों, आज आपको लेकर के चलता हूँ नीमूचाना गाँव के अंदर और दिखाता हूँ उन अवशेषों को, दिखाता हूँ वह स्थान जहाँ पर हुआ था नीमूचाना कांड। लाइक करना ना भूले, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, क्योंकि आप देखने वाले हो उस ऐतिहासिक घटना को, उस इतिहास के पृष्ठों पर छपी हुई महत्वपूर्ण घटना को। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं 14 मई 1925 को घटित हुई वह घटना का स्थान जिसको कहते हैं नीमूचाना हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग, जहाँ पैदा हुआ था राजस्थान का भी जनरल डायर छज्जू सिंह। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस ऐतिहासिक स्थान पर नीमूचाना गांव के बिल्कुल मध्य में, जो कि इतिहास के पन्नों में जाना जाता है, इतिहास के पन्नों में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। यह स्थान है उस नीमूचाना गांव की, ये गलियां हैं, यहाँ के वो प्राचीन भवन आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, जहाँ पर वो ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। इस स्थान पर ऐसे कुछ तथ्यात्मक चीजें तो नहीं है, क्योंकि उस समय प्राचीन 1925 की वह घटना है, उस समय यहाँ ऐसा बताते हैं कि लगभग जो कच्चे घर होते थे वही होते थे, परंतु उस समय यहाँ अनेकों बिल्डिंगें भी थी। बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही है पीछे, और वह जो घटना घटी है इसी गाँव के किसी एक स्थान पर घटना वो घटित हुई थी। यहाँ के लोगों से जब जाना तो पता लगा कि इसी स्थान के आसपास वह घटना घटित हुई है। यहाँ पर नीमूचाना अलवर जिला जो है उसकी बानसुर तहसील का एक प्राचीन ग्राम है ये। उस समय अलवर अंग्रेजों के शासनकाल के समय, अंग्रेजों के अधीन जब हम थे उस समय, अलवर जो रियासत थी वह अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थी। अंग्रेजों के अधीन हो जाने की वजह से भारतीय राजाओं की एक मजबूरी हो गई थी कि उनको अंग्रेजों को देने के लिए पैसों की जो जरूरत थी वह जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अंग्रेज उनको सैनिक सहायता दिया करते थे। शासन चलाने के लिए सैनिकों की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी, इसके बदले में अंग्रेज उनसे धन संपदा लिया करते थे। हमारे यहाँ के जो राजा और महाराजा थे उनकी रियासतें ये जो थी, उनकी वजह से यहाँ के राजा और महाराजाओं ने किसानों पर जो कर थे वो अत्यधिक मात्रा में लाद दिए। ऐसा बताते हैं लोग कि प्राचीन समय में जो ब्राह्मण बंधु हुआ करते थे वो राजा और महाराजाओं के करों से मुक्त हुआ करते थे। जो राजपूत जो लोग थे वो रियासती बिल्कुल नजदीक होते थे, राजाओं के बिल्कुल नजदीक ही माने जाते थे, इसलिए उनको भी करों से मुक्त किया जाता था। पर 1925 तक अलवर रियासत के इन जो दो वर्ग थे इन पर भी कर लाद दिए गए, और लोग इतने मजबूर हो गए कि उन्हें इस जो रियासत है अंग्रेजों का ये जो शासन व्यवस्था थी इसके खिलाफ हथियार उठाने पड़ गए और लोगों ने विद्रोह कर दिया। उसी विद्रोह का परिणाम बाद में भारत की आजादी से हुआ, क्योंकि वह चिंगारी जो उठी थी उसी से आजादी का एक रास्ता मुकबल हुआ। यहाँ जो घटना घटित हुई वह घटना थी 14 मई 1925 की। यहाँ नीमूचाना ग्राम के और आसपास के अनेकों जगहों के अधिक मात्रा में किसान इकट्ठे हो गए। किसान इस स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और आंदोलन करने लग जाते हैं, यानी कि रियासत को कर देने से मना कर देते हैं। अलवर का शासक जय सिंह यहाँ के किसानों को समझाने की कोशिश करता है, परंतु यहाँ के किसान नहीं मानते। उनका एक ही उद्देश्य था, उनका एक ही लक्ष्य था कि हमें कर से मुक्त किया जाए, परंतु राजा इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अपने सैनिकों के सामने घोषणा की कि जो इस आंदोलन को समाप्त कर देगा मैं उस वीर बहादुर सैनिक को अनेक पुरस्कार प्रदान करूंगा। महाराजा यानी कि राजा जय सिंह के सेना में से एक सैनिक निकल करके आया जिसका नाम छज्जू सिंह था। वह कहता है कि इस आंदोलन को मैं समाप्त कर दूंगा, और वह अलवर से चल पड़ता है सैनिकों को लेकर के। यहाँ के जो किसान थे शांतिपूर्वक राज्य के इन नियमों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। एक साथ एकत्रित उन जो अहिंसक किसान थे उन पर छज्जू सिंह ने अंधाधुंध, जिनको कहते हैं कि गन जो मशीनें थी, मशीन गन जो थी उनके द्वारा आक्रमण कर दिया गया, और अनेक लोगों की हत्या इस स्थान पर
कर दी गई। इतने घाव इस स्थान पर दिए गए। वह जो छज्जू सिंह था वह यही नहीं रुका, यहाँ के किसानों को मारने के बाद उसने इस पूरे गांव को जला दिया, यहाँ के बच्चों और महिलाओं की हत्या तक कर दी। इस असहनीय पीड़ा से पीड़ित होकर के महात्मा गांधी जी ने भी इस स्थान के बारे में कहा था कि नीमू चाना हत्याकांड जलियांवाले हत्याकांड से भी कहीं विभत्स हत्याकांड है, उससे भी अत्यधिक भयंकर हत्याकांड यह है। इसी हत्याकांड को देख करके यंग इंडिया में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की गई थी। उस समय छज्जू सिंह के द्वारा इस स्थान पर जो अत्याचार किया गया था, उस अत्याचार की वजह से ही छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर का नाम दिया गया। उस समय 1925 के समय में रियासत नामक एक अखबार निकलता था, जिसमें इस जो नीमूचाना हत्याकांड है इसका सचित्र वर्णन भी उसमें किया गया था। यंग इंडिया में इस स्थान है नीमूचाना जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में जो डायर ने जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था उसी के तरह से इसको दोहरा डायर साहिबी इस स्थान के बारे में कहा गया था। उस हत्याकांड में ऐसा बताते हैं कि वास्तविक रूप से या तथ्यात्मक रूप से 156 किसान मारे गए थे और पूरा गांव खाली हो गया था। ऐसा भी सुनने में आया है, ऐसा तथ्यात्मक इतिहास में बातें बताई गई है कि यह जो गांव था अलवर जिले का एक संपन्न गांव हुआ करता था, क्योंकि यहां महाजन लोग अत्यधिक मात्रा में रहते थे। बाहर से आए हुए अनेक धनाढ्य सेठ इस स्थान पर रहते थे, जिसके बारे में तथ्यात्मक चीजें तो आज भी हमें देखने को मिल सकती है। आप इन भवनों को जब निहारेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में यह गांव एक संपन्न गांव हुआ करता था। और दोस्तों, इस संपन्न गांव को नजर लग गई अंग्रेजी और अलवर के राजा जयसिंह की, जिससे कि इस गांव को उजाड़ दिया गया, जला दिया गया और जलियांवाला बाग से भी अत्यधिक विभीषण हत्याकांड इस स्थान पर किया गया। जो नीमूचाना गांव में है इस पे एक नहीं अनेकों भवन हैं जो इतिहास की गाथाओं को गाते हुए हैं, और इस स्थान पर अनेक अनेक प्रकार की जो गाथाएं हैं, ऐतिहासिक जानकारी हैं वो मिलती हैं, क्योंकि यह जो गांव है प्राचीन गांव है और इस गांव में इतिहास से जुड़ी अनेक घटनाएं हैं। तो ऐसी एक घटना यहाँ के एक ऐतिहासिक चीज के बारे में भी हमें यहाँ के लोगों से जानकारी हुई कि इस गाँव में एक ऐसा भवन भी है जहाँ पर भूमि की जानकारी के लिए या भूमि से संबंधित कोई एक विशेष केंद्र बिंदु भी स्थित है, जिसके बारे में जानने के लिए हमें आगे चलना होगा। सामने आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उस बिल्डिंग के बारे में बताते हैं कि वहाँ एक विशेष प्रकार की मशीन लगाई गई थी जिससे भूमि की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं उस तरफ और जानते हैं वहाँ के भी इतिहास के बारे में। तो अब हम यहाँ कुछ ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ की इतिहास की उन्हें अनछुपे तत्वों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यदुराज पुरुषोत्तम जी। यदुराज जी, आज हम यहाँ नीमूचाना में आए हैं और हमने यहाँ कई स्थान देखे भी हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि यह जो नीमूचाना है जो प्रसिद्ध है, इतिहास के पन्नों पे छपा हुआ है, तो यहाँ क्या ऐतिहासिक चीजें रही हैं जिसके कारण से ये स्थान जाना जाता है? ग्राम पंचायत नीमूचाना और मुख्य स्कोप नीमूचाना के संदर्भ में मेन धारणा और सच्चाई ये है कि जो ग्राम नीमूचाना वो पूरे विश्व का या फिर राजस्थान प्रदेश का मध्य बिंदु रहा है मेरी सूझबूझ और मेरी नॉलेज के अंदर। उसके पश्चात सन 1925 के अंदर उससे पूर्व समय से चलती आ रही हिंदुस्तान पाकिस्तान विवादों के मध्य या समझौते सुलझाने बतौर हिंदुस्तान की सीमा का आकलन करने के लिए ग्राम नीमूचाना तहसील पूर्व समय में बानसूर लगती थी, प्रत्यक्ष समय में नारायणपुर लगती है, जिला पूर्व समय में अलवर लगता था, प्रत्यक्ष समय में कोटपुतली बहरोड लगता है। राजस्थान प्रदेश में एक भारतीय सीमा का नाप तोल करने के लिए एक मशीन फिट की गई थी सन 1925 के अंदर, और ग्राम नीमूचाना क्षेत्र में जिस जगह भारतीय सीमा का नाप तोल करने के लिए वो मशीन फिट की गई थी उस भूमि के ऊपर आज की तारीख में मेरी और मेरे बुजुर्गों की बिल्डिंग बनी हुई है जो संपूर्ण राजस्थान प्रदेश से या पूरे विश्व से मध्य बिंदु कहलाती है। मेरी सूझबूझ और मेरी जानकारी, मेरे ज्ञान के अंदर ये सच्चाई मालूम है मुझे।
मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो घटना अपन बताते हैं कि अलवर के राजा जयसिंह ने यहाँ पर गोलीबारी करवाई थी, यहाँ के किसान जो इकट्ठे हुए थे ऐसा कहते हैं 156 किसान यहाँ मारे गए थे, तो क्या उस घटना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैसे वो घटना यहाँ घटित हुई होगी, कैसा यहाँ का दृश्य उस समय का रहा होगा? इस बाबत में तो मैं बताऊँगा, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है उतना बोल पाऊँगा। ये तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ इतिहास के अंदर और सुनता भी हूँ पब्लिक से, ग्राम निमुचाना की जनता से और बाहर की जनता से, कि यहाँ एक ऐसा माहौल हुआ था जो जलियांवाला हत्याकांड से भी भयंकर हुआ था। लेकिन लोग बाग ये भी ठहराते हैं कि यहाँ गोली कांड हुआ था, राजा जयसिंह ने ग्राम पंचायत निमुचाना के किसानों के ऊपर भूमि की लगान के ऊपर बहस की और लगान न लौटाने पर उन्होंने गंज मशीनें फिट करवाई गई, गोली कांड करवाया गया और किसानों के ऊपर भारी अत्याचार किया गया। मेरी नॉलेज में तो ये सच्चाई है कि सन 1925 के अंदर भारतीय सीमा का आकलन करने के लिए एक मशीन फिट की गई थी और उसके बावत में उसकी सुरक्षा के लिए कि कोई भारी आक्रमण नहीं हो जाए या कोई बहस नहीं हो जाए, नापतोल करने वाली मशीन की सुरक्षा के लिए चारों दिशाओं में ग्राम पंचायत निमुचाना के चारों तरफ चारों दिशाओं में चार गंज मशीन फिट की गई। यानी ये जो क्षेत्र है चारों तरफ से उन मशीनों से कवर कर दिया गया था कि कोई भी भारी व्यक्ति यहाँ आ ना सके, भारी व्यक्ति के आक्रमण सुरक्षा के बतौर चार गंज मशीनें फिट की गई। और ऐसा बताते हैं कि ये जो निमुचाना गांव था उस समय का एक अलवर जो जिला था रियासत थी उसका एक संपन्न गांव हुआ करता था, यहाँ धनाढ्य लोग या धनाढ्य किसान रहा करते थे, ऐसा भी बताते हैं यहाँ। मेरे सुनने में और मेरी नॉलेज में तो ये है कि ग्राम निमुचाना सीमा के अंदर कोई भी निवासी नहीं था, भारी जंगल था और पूरे विश्व की यह राजस्थान प्रदेश की मध्य भूमि कहलाती है। उसके बाद में एक यहाँ सर्वप्रथम निमू नाम की गुजरी और चना नाम का गुजर बाहर से आकर के रहन सहन करने लगा, बाहर से आकर के धनाढ्य व्यक्ति रहने लगे जी, राजघराने से प्लस से ठाणे से जी। बिल्कुल, एक मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर वो जो जमीन को नापने वाली मशीन है, क्या वो अभी आप हमें दिखा पाएंगे? हाँ, मुख्य बिंदु वो सीमा भी दिखा रहा हूँ और उसका आवरण भी दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, चलते किसी हैं। को भी किसी भी तरह की दिक्कत और नहीं होगी। यदु जी के साथ हम उस स्थान की ओर आपको लेकर के चलते हैं जहां पर हम देखेंगे उस समय में लगाई गई मशीन और यहां की उस भवन को हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस भवन में और देखते हैं यहाँ ये जो पुराना भवन है क्या ऐतिहासिक चीजें हैं। जैसा कि यदु जी ने अभी बताया कि यह स्थान धरती की किसी एक मुख्य बिंदु के रूप में भी जाना जाता है, तो जैसे ही इसमें प्रवेश करते हैं बहुत पुराना यह भवन लगता है, काफी प्राचीन इसको देखने पर लगता है कि काफी समय पहले ये बना होगा। किस प्रकार की यहाँ की दीवारें देखिए और नीचे का ये जो धरातल है अभी भी कच्चा आंगना जिसको बोलते हैं, मिट्टी का बना हुआ धरातल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ काफी पुरानी बिल्डिंग होने के कारण यहाँ की जो स्थिति है वो काफी ऐसी भयानक और डरावनी भी लगती है, परंतु यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि जैसा यदु जी ने बताया कि उस समय 1925 के समय में यहाँ पर पृथ्वी को नापने के लिए एक मुख्य बिंदु तैयार किया गया था, उस स्थान पर कोई मशीन लगाई गई थी, ऐसा स्थान भी यदु जी अभी दिखाने वाले हैं। तो इस भवन को उससे पहले निहारिए, प्राचीन समय में ये बना भवन है, अभी रखरखाव या बहुत पुराना हो जाने की वजह से जर्जर अवस्था में ये भवन हम सबको देखने को मिल रहा है। परंतु दोस्तों, जैसा यदु जी ने बताया कि यह महत्वपूर्ण स्थान भी है, आइए मेरे साथ सबसे पहले हम चलते हैं उसकी ओर, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आइए दोस्तों, यह मुख्य कमरा है जो कि इस भवन का रहने के काम में यह कमरा आता था। यहाँ आप देख रहे होंगे कि प्राचीन जो चीज़ें हैं उनके अवशेष आज भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लकड़ी हालांकि जज्जर हो चुकी है, परंतु सामने जो अवशेष है किस प्रकार की कलात्मक यह है, जो प्राचीन समय में जो जिसको कहते हैं हम पलंग बनाए जाते थे उसका ये सराहना हुआ करता था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उस स्थान की तरफ लेकर के चलता हूँ। जैसा कि यदु जी ने बताया था कि इस भवन में एक वो स्थान है जिसे भारतीय सरकार ने भी भूमि के लिए, भूमि नापने के लिए उसको यहाँ पर एक केंद्र बिंदु बनाया था, यहाँ मशीनें लगाई थी। तो आइए
और काफी अंधेरा इसमें है, लेकिन दोस्तों आपको एक विशाल अंदर की तरफ एक विशाल एक खंभा दिखाई दे रहा है। यदु जी ने बताया कि यह जो खंभा है इसमें मशीनें फिट की गई थी, इसके नीचे कोई मशीनें लगाई गई थी जिससे जमीन की जो दूरी है उसको नापा जा सके। इसके अलावा दोस्तों अनेक जमीन के रेशियो का पता लगाने के लिए भी इस स्थान पर मशीन लगाई गई थी, यदु जी ने बताया। साथ में दोस्तों इस कमरे में अनेक वो प्राचीन समय की हमारी जो परंपरागत तरीके से काम आने वाली चीज़ें भी इस कमरे में देखने को मिल रही हैं, जो आप देख सकते हैं। हालांकि अंधेरा काफ़ी है, परंतु प्राचीन हमारे जो रीति रिवाजों में काम आने वाली चीज़ें थी वह चीज़ें भी यहाँ अब स्थित हैं। दोस्तों अभी आपको हमने एक बिंदु दिखाया है, ऐसा बताते हैं दोस्तों जैसा यदु जी ने बताया है, हो सकता है यहाँ पर ऐसा कोई वो केंद्र बिंदु रहा हो, यहाँ पर ऐसी कोई मशीनें फिट की गई हो जिससे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त की जा सके। यहाँ जो केंद्र बिंदु है इसके बारे में यदु जी ने हमें बताया था, तथ्यात्मक जानकारी तो नहीं है, परंतु यदु जी ने जिस प्रकार से बताया है और जिस प्रकार से आपको हमने दिखाया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति तो रही होगी जिससे कि किसी चीज़ की जानकारी का यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा स्थान बिंदु या किसी प्रकार का कोई प्राचीन समय में उस समय में ऐसा केंद्र बिंदु रहा है जिसकी वजह से ये सब जानकारी हमको जानने को मिल रही है। क्योंकि किसी घटना की वजह से ही किसी घटना की जानकारी या कहावतें सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि इस स्थान पर भी ऐसी कोई केंद्र बिंदु या पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना जानने का ऐसा स्थान उस समय में रहा है जैसा कि यदु जी ने हम सबको बताया है। अभी हमने आपको एक ऐतिहासिक स्थान के बारे में बताया जहां पर कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें यहां अवस्थित थी। चलिए दोस्तों नीमूचाना के अनेक और भी स्थान हैं जहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और चलिए आपको नीमूचाना के अनेक उन ऐतिहासिक स्थानों को और दिखाते हैं। दोस्तों आज हमने आपको राजस्थान के अलवर जिले की में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक गांव के बारे में बताया, आपको स्थान दिखाए जहां पर नीमूचाना हत्याकांड हुआ था। साथ में दोस्तों आज हमने आपको एक वो हवेली भी दिखाई जहां पर भूमि को नापने के लिए एक ऐसी सुविधा बनाई गई थी, भूमि के केंद्र में एक ऐसे यंत्र को स्थापित किया गया था, वह स्थान भी आज हमने आपको दिखाया। आज इस नीमूचाना के ऐतिहासिक गाँव को आपने देखा और दोस्तों आप अनेकों ऐसे वीडियो, अनेकों ऐसे ऐतिहासिक स्थानों के बारे में और धार्मिक स्थानों के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर आपको अनेक जानकारीपूर्ण और बहुमूल्य वीडियो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, क्योंकि आपको बहुत सारे अत्यधिक मात्रा में महत्वपूर्ण और जानकारी से भरे पूरे वीडियो मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। दोस्तों आज हमने आपको नीमूचाना हत्याकांड वाला स्थान दिखाया है, आगे आपको बहुत अच्छे वीडियो दिखाने वाले हैं, हमारे चैनल पर बने रहिए।